हमारी सांसों में भी आज तक वो है ना कि खुशबू है रही है। हमारी सांसों में आज तक वो है ना कि खुशबू है रही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फराज? आइए आइए आइए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। आज की सुबह को मज़ीद खुशगवार करने के लिए बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, लेकिन आज का हमारा शो इज़ बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स। जी हाँ, हमारी इंडस्ट्री के जो सुपरस्टार्स हैं, फ्यूचर स्टार्स हैं हमारे, और ऑफ कोर्स अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता एस्टैब्लिश कर रहे हैं, अपना अपना नाम बना रहे हैं। लेकिन अक्सर जब मैं सेट पे बैठी होती थी, स्पेशली जब मैं एक्टिंग बहुत ज़्यादा कर रही थी, तो लड़कियां अपनी शिकायत कर रही होती, लड़के अपने कर रहे होते थे, कहते हमें ये हमें वो। लड़की को पूछो कि यार क्या इश्यूज है, कहती यार शादी हो गई है, अब ये प्रॉब्लम हो रही है। अब लड़के से बात करो तो वो कहता था यार कोई आगे ही नहीं बढ़ने देता, या लड़कियां बड़ा एटीट्यूड दिखाती हैं। तो आज मैं बड़ा जेन्युइनली
अपने जो ये स्टार्स हैं इनसे जानना चाहती हूँ कि भाई गर्ल्स के क्या मसाइल हैं, बॉयज़ के क्या मसाइल हैं। उसके साथ साथ ऑफकोर्स आपस में भी इनसे कुछ हमने एक्टिविटीज़ करवानी है, कुछ गेम्स भी खिलवाएंगे और उन गेम्स के जो विनर्स होंगे उनको गिफ्ट हैम्पर्स भी मिलेंगे फ्रॉम वेरियस डिफरेंट ब्रांड्स। तो आज ज़रा मुकाबला भी सख्त होगा, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि लड़के जो हैं वो लड़कियों का पॉइंट ऑफ व्यू समझें और लड़कियां जो हैं वो लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू समझें। दोनों एंड का पॉइंट ऑफ व्यू जब अंडरस्टैंड करते हैं तो तभी इंसान ज़िंदगी में आगे अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। आपने देखा होगा कि मियां बीवी पहला साल जो है वो लड़ाइयां दंगे फसाद में ही गुजर जाते हैं, शुरू शुरू का वो हनीमून पीरियड होता है, उसके बाद लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और ये अंडरस्टैंडिंग, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर मंगनी हो गई है, हाँ हो गई है, निकाह हो गया, अभी रुखसती में कुछ टाइम है, तो कुछ वक्त एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी होता है ताकि आप एक दूसरे की मैंटेलिटी समझें। अब आप एक डॉक्टर हैं, वर्किंग लेडी हैं, आपकी शादी होती है एक आदमी से, वो आपको घूम के कहता है, वो शादी तो डॉक्टर से करनी है लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई प्रैक्टिस नहीं करनी क्योंकि डॉक्टर के टाइमिंग्स बहुत अजीब से होते हैं। सो इन चीज़ों पर फिर बाद में जाके मसाइल होते हैं। लड़के की बड़ी सोशल लाइफ है, वो बड़ा एक्टिव रहता है, बाहर घूमता फिरता रहता है, लड़की कहती है जी आप हर वक्त बाहर होते हैं। अब अगर आपको पता है कि जिससे आपकी शादी होने वाली है वो बहुत सोशल इंसान है तो फिर थोड़ा सा आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और फिर वो भी साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों को साथ लेके चलना है, हंसी मजाक तो होगा लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से वो इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट बातें हम निकाल लें जो हम सब के लिए जाननी ज़रूरी है। आज इस डिस्कशन के लिए और ऑफकोर्स म्यूज़िक और हल्ला गुल्ला तो होगा ही जब इतने बेहतरीन सिंगर्स और आर्टिस्ट हमारे साथ हैं। तो शेरी खान ऑफकोर्स हमारे साथ हैं, वेरी वेरी टैलेंटेड सिंगर और हमारे मॉर्निंग विद जुगन की टीम का बहुत अहम हिस्सा। देन हमारे साथ शुजा एहसान है, अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू, और उनके साथ अहमद नवाज जो चाहूं या ना चाहूं हर वक्त यहाँ बरामद हो जाते हैं रिक्शादारी नाग की तरह। तो आपसे गाने भी सुनेंगे और साथ साथ कुछ सीरियस गुफ्तगू की कोशिश करेंगे। नहीं, आपके साथ आज आप अहमद नवाज को एक नए अंदाज में देखेंगे क्योंकि जो टॉपिक है पहले उस पर गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद फिर कुछ हल्ला गुल्ला करेंगे, कुछ हल्ला गुल्ला भी करेंगे। लेकिन जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आजकल के लोगों के लिए बहुत अहम है यार। आपस में ना ससुराल वाले आपस में गुफ्तगू कर लेते हैं तो लड़की वाले और लड़के वाले आपस में गुफ्तगू कर लेते हैं, कोई लड़का और लड़की से नहीं पूछता कि तुम लोग क्या चाह रहे हो। बिल्कुल, देखिए अरेंज मैरिज बहुत अच्छी चीज है लेकिन जब वो शादी अरेंज हो जाए तो उसके बाद आपको एटलीस्ट आपस में एक दूसरे का माइंड तो देख लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, पता तो चले कि अगला बंदा क्या सोचता है और अगली बंदी क्या सोचती है और थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े। ऑफ कोर्स बहुत ही खूबसूरत गाना परफॉर्म किया फरा ने और फरा के सॉन्ग से ही हम आए थे, हमने शो शुरू किया। एंड देन एनी जैदी हमारे साथ है, बेहतरीन सिंगर एंड ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर जिनकी अपनी अब मॉन्टेसोरी भी है। तो अस्सलाम वालेकुम टू यू आल्सो। एंड अब छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपस में डिस्कशन करेंगे बॉयज वर्सेस गर्ल्स। ब्रेक व्यूअर्स मॉर्निंग में जुगन हो और चाय का कप हमारे साथ ना हो जरा इम्पॉसिबल सी बात है। और ऑफ कोर्स जब चाय के कप की बात करते हैं तो शेफ मुनीरा को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ मुनीरा किरण, कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और आप कैसी हैं माशाल्लाह? मैं जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, आपसे मैंने कमिटमेंट की थी बल्कि ली थी कि आज जो रेसिपी हम बनाएंगे वो ऐसी हो जो लड़के और लड़कियां दोनों बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत इजी रेसिपी है और मेरा ख्याल है कि ये सारी सब्जियां तो मेरा ख्याल है कि हर किसी के घर में अवेलेबल हैं और वो रेसिपी जो कि समझ नहीं आती इसको बनाना कैसे है। तो आज इसको बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊँगी ताकि आपका टाइम भी ना मतलब ज़्यादा वेस्ट हो। गाजर है, आलू है, मटर है, आलू मटर गाजर और साथ में मेथी। जुगन मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जब भी आप कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो इतना ज़्यादा इसको कुक करते हैं तो कुक नहीं करना, इसको हल्का सा ब्लांच करेंगे, इसकी हल्की सी ग्रेवी बनाएंगे, सौते करेंगे और साथ साथ इसको आप खा सकते हैं, चाहे तो वेजिटेबल जैसे कि आप स्पून के साथ खा लें, एज ए सैलड खा लें, एज ए रोटी के साथ खा लें। रेसिपी की तरफ हम थोड़ी देर में आएंगे, आप अपनी तैयारी पूरी कर लें डेफिनेटली और हम चलते हैं अपने मेन स्टेज की तरफ। ये ले हिमशा आपके लिए माइक, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और अब गुफ्तगू का सिलसिला हमने स्टार्ट करना है। हम ये जानना चाहते हैं एज अ टीम एट मॉर्निंग विद जुगन कि भाई लड़कों को क्या प्रॉब्लम है लड़कियों से और लड़कियों को लड़कों से क्या प्रॉब्लम है। अक्सर ये चलता है कि बंदे तो ऐसे ही होते हैं, मर्द तो ऐसे ही होते हैं, और देखो
मैं बेटों की भी माँ हूँ और मेरी बेटी भी माशाल्लाह है। अब मैं भी शायद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ कि स्यापा क्या है। देखो डिवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है, हर दूसरे दिन पता चलता है फलां जी को लड़की अपने माँ बाप के घर आ गई या लड़का जो है वो अपने घर छोड़ के अपने माँ बाप के घर शिफ्ट हो गया। तो ये क्या है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? जी शेरी, आपसे बात शुरू करूँगी। वही प्रॉब्लम है कि अंडरस्टैंडिंग, जब आप एक अरेंज मैरिज करते हैं और बिना बताए किसी की मर्जी के बगैर किसी बच्ची का या किसी बच्चे का रिश्ता कर देते हैं तो उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। नहीं, बट मैंने तो ये भी देखे हैं बहुत ज़्यादा लव मैरिजेस भी डिवोर्स में एंड करती हैं। वो ये होता है जब लव मैरिजेस जो होती हैं जो एक दूसरे से पहले एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उसके बाद जब वो इनकी घरेलू ज़िंदगी साथ में ज्वाइन करते हैं तो वो फिर उम्मीदों में एक दूसरे की पूरा नहीं उतरते, तो इस वजह से ये आई थिंक ये होता है। मर्दों को नॉर्मली क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर आप शादी की बात करें तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं और क्या डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं? ये हर मर्द यही चाहता है कि हमारी जो वाइफ हो वो हाउसवाइफ हो, घरेलू हो, मगर वो चाहते हैं कि ज़रा ग्लैमर श्लैमर भी हो, फिर उसके बाद घर के काम शाम में। और ये बड़े मसले मसाइल होते हैं क्योंकि आपको चाहिए होता है ग्लैमर, आपको चाहिए ऐसी लड़की जो वर्किंग लेडी टाइप हो, जिसकी बड़ी एक ग्लैमरस सी लुक हो, फिर आप कहते हैं कि उससे शादी करके आप उसको घर में बंद करते हैं। देखिए दोनों चीज़ें की दोनों चीज़ों की एक्सपेक्टेशन मेरे ख्याल से ज़रा अनरीजनेबल हो जाती है, क्या कहोगे? देखिए जुगन जी, जो सारी बात है ना वो है इंसान के दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। जो बड़े लोग होते हैं, आप भी देखें कि इतनी देर से जो यानी कि हम लोग जो हमारे बड़े हैं, माँ बाप हैं और उनसे जो बड़े लोग हैं, वो ऑब्वियसली बात है कि वो वक्त गुजारते आए हैं, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने सबको स्टैंड किया और प्रॉपर तरीके से वो लेकर चले। तो आजकल के जो लोग हैं, आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत फास्ट है, ठीक है, लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो लड़के बाहर काम कर रहे हैं या जो भी किस तरह का जॉब कर रहे हैं उनको उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि वो मार्केट में बात सुनते हैं लोगों की और सारा कुछ, वो फिर सारा दिन बाहर काम करके शाम को जब घर थक हार के आते हैं तो आपको चाहिए कि उनका एहसास करे, उनकी खिदमत करे, और ताकि जो औरत सुबह से लेकर रात तक घर में सफाई कर रही है, देखो हाउसवाइफ का काम शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, तुम लोगों का काम से ज्यादा, जो सुबह से लेकर रात तक सफाई कर रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, खाना बना रही है, बच्चों को संभाल रही है, वो रात को हफी भी नहीं होगी और इरिटेटेड नहीं होगी तो क्या वो भंगड़े डाल रही होगी? मेरा मकसद जुगन सिर्फ ये कहने का नहीं कि आप कि उसके पैर तुम्हारे लग जाए, नहीं, उसको खाना दिया, सारा कुछ करके वो इजी होकर रिलैक्स होकर अपना उससे अपना काम कर लेते हैं। बात तो नहीं है, मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर हस्बैंड पैर भी दबा रहा है बीवी के, बीवी थकी हुई है तो मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ पराजी, मैं वो ये कह रहा है पराजी, नहीं अंडरस्टैंडिंग की बात है, मैंने तो ये भी जोड़े देखे हैं जो बहुत ही बुजुर्ग हो चुके हैं और यकीन करें उनका बहुत प्यार है, वो ऐसे एक दूसरे को उनके पैर भी दबाते हैं, मैंने इस तरह भी देखा हुआ, ये भी देखा हुआ कि अभी साल भी नहीं हुआ और डिवोर्स भी हो चुका है। मेरे बाप का मकसद है कि मैं अब तेल लेके पैतलियां दुबाने लग जाऊं कि मेरी बीवी ने सारा दिन किचन में काम किया है। देखिए मेरी बात सुने, जब आपने एक दूसरे के साथ साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप दोनों ने, फिर तो सुख दुख हर चीज एक साथ है। अच्छा, अगर बीवी के पैर में दर्द है मियाँ दबा दे, अगर मियाँ के पैर में दर्द है तो बीवी दबा दे, मसला क्या है? मतलब आपने साथ बच्चे पैदा करने हैं, आप लोगों ने फैमिली आगे लेके चलनी है, आपकी पूरी लाइफ साथ जानी है, लेकिन इक्वल बराबरी के साथ नहीं, एक दूसरे के साथ चलना। लेकिन फराज जी की बात मैं रद्द नहीं कर रहा, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन आजकल के जो लोग है ना वो बड़े फास्ट हो चुके हैं, वो इस चीज को नहीं मानते, नहीं इस चीज को देखते, लेकिन हमें भी जो है वो प्रॉपर तरीके से घर भी तो नहीं बसते ना अहमद, अभी तो देखे ना ओके, आई वांट द गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बाद हम एक डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। पर जी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैंने बिल्कुल यही बात, यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बिल्कुल अगर बीवी, वही बात है कि अगर काम कर रही है हस्बैंड के साथ, एक काम कर रही है, मतलब कि अगर हस्बैंड भी काम कर रहा है, बीवी भी काम कर रही है, तो मेरे ख्याल से कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप उस बीवी को बिल्कुल पर्दे में रखें और कहें जी बस आप खूबसूरत हैं, आप मेरे लिए खूबसूरत हैं, अब बस अगर वो भी काम करना चाह रही है तो वो कर रही है, तो फिर दोनों का एक दूसरे के साथ मेरे ख्याल से कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए। खूबसूरती मायने नहीं रखती, नहीं ग्लैमर लुक की बात, आई अंडरस्टैंड कि एक ये ईगो का, देखो
अगर आपकी इज्जत इतनी कमजोर और इतनी हल्की है कि किसी औरत के जॉब पे जाने से आपकी इज्जत कम हो जाएगी, तो फिर आपको अपनी इज्जत पे नजर डालनी चाहिए, खातून पे नहीं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की जुगन, और इतना अच्छा आज आपने टॉपिक लिया है। सबसे पहली बात तो ये है कि लोग अपने घर में अपनी खानदानी बीवियाँ, मतलब देहात से भी बहुत कम पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन उनकी नज़र होती है पढ़ी लिखी मॉडर्निज्म ऑब्वियसली, लेकिन जब वो उससे शादी कर लेते हैं कहते हैं हमें दूसरी करनी है या जो भी है व्हाटएवर, और अक्सर लोग तो छुप छुप के दूसरी शादी कर लेते हैं, सीक्रेट मैरिज। नज़र तो फिर भी आ जाती है ना, नज़र तो एंड में आ ही जाती है, फिर घर बर्बाद होते हैं। और लेकिन जुगन ये जो रेशियो इसलिए डिवोर्स का रेशियो ज़्यादा बढ़ रहा है, वो सिर्फ इसीलिए कि एक तो इक्वालिटी, जो आप दोनों की बराबरी, बराबरी इस सेंस में कि बेशक औरत जो है वो अगर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, हम वी आर सो कॉल्ड लिबरल, हम जिस लिबरल सो कॉल्ड लिबरल माशरे में हैं उसमें कह तो देते हैं कि लड़की मॉडर्न हो, ये है वो, लेकिन वो चाहेंगे, हर मर्द ये चाहेगा कि एक प्रॉपरली ईस्टर्न हिजाब मैंडेटरी है। अच्छी बात है, अगर कोई कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लाजिम कर दें, ठीक है, लेकिन फिर आप फिर मॉडर्न लड़की की तरफ क्यों देखते हैं छुपके? ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। हाँ जी, क्या कहूँ मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले कहते हैं कि ये शोबीज़ में लड़कियाँ क्यों हो गई, ये हमें पसंद नहीं है, ठीक है, हालांकि जो भी काम करो सब भी अच्छा है, लेकिन एक लिमिट में रह के। सब ये कहते हैं कि शोबीज़ की लड़कियाँ अच्छी नहीं होती, ये होता है वो, मैं सबको यही कहती हूँ, हर किसी की ख्वाहिशात होती है, हर किसी को अपने दिल की सुननी चाहिए। हस्बैंड कहता है कि हमारी वाइफ को कोई देखे ना, लेकिन खुद वो बाई लड़कियों को देखते हैं। अगर वो ये इस सवाल का जरा जवाब दो, क्योंकि तीनों का एलिमेंट, मतलब हम सब का एक ही सवाल है कि भाई शादी भी आप लोगों ने करनी होती है, लेकिन फिर आगे से लड़कियों को भी आपने देखना होता है, मतलब नजरों पे किसी का कंट्रोल नहीं है। अच्छा देखें जुगल जी, ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप क्या कह रहे हैं कि मतलब मतलब मैं तो घूरने की बात कर रही हूँ ना शेरी। Yes. वैलिड क्वेश्चन, शादी की हुई है, घर पे बीवी है, right. बीवी को घर में आपने डक के रखना है, बंद करके रखना है, लेकिन खुद आपकी नजर का कोई ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, इस पे क्या कहोगे तुम? नहीं तो आपके फ्रेंड्स तो आपके होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज रॉन्ग। ये फिर आप बट ये होता है कि नहीं होता? ये होता है, ये डेफिनेटली होता है, और दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। आपकी फिर सिंसियरिटी नहीं अपनी वाइफ के साथ, ये बात, ये आप अपने चीट कर रहे हैं फिर अपने वाइफ को। अगर कोई मोस्टली इसी हम जो ये आजकल ड्रामे और वो चीजें देखते हैं ना, लोग बड़े फड़फड़ा के उठते हैं कि ये क्या दिखा रहे हैं, हमारे माशरे को खराब कर रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस के साथ व्यूअर्स ये कहना पड़ता है कि जो ये आप देख रहे हैं ड्रामों पे, टेलीविजन में वगैरह, ये सारा कुछ घरों में हो रहा है, तो ये डिपिक्ट किया जा रहा है। इतने स्मैश हिट क्यों बनते हैं ड्रामे? क्योंकि कहते हो ओ फलां ते कारे चाहिए, तो फिल्म चल रही है। सो बात ये है कि हम लोगों को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मर्द गलत हैं, मैंने ये भी ऐसे भी घर देखे हैं जहाँ पे खवातीन हर दो मिनट के बाद अपना सामान पैक करके कहती है मैं जा रही हूँ अपने घर, और अगला इंसान टॉर्चर हो रहा होता है कि यार मतलब शादी इसलिए तो नहीं की थी कि हर दो हफ्ते के बाद जाके अपनी बीवी के जो पेरेंट्स का घर है उधर जाके मिनते तरले करके बीवी को घर लेके आने। तो थोड़ा सा दोनों एंड पे बर्दाश्त पैदा करना है। इतना भी हम लोगों ने मॉडर्न नहीं हो जाना कि हम बिल्कुल ही कहीं के ना रहें, और इतना भी हमने पिछले वक्तों में नहीं जाना कि मतलब जिंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाए। आजकल की जरूरत है व्यूअर्स, ड्यूअल इनकम हाउसहोल्ड, दो लोग अगर, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है अहमद, मैं आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगी, और आपका पॉइंट व्यू मैंने डेफिनेटली सुन लिया। जब आप इंसानों की तरह सिविलाइज गुफ्तगू करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। खवातीन और मर्द हजरात के आपस में क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपस में क्या गिले शिकवे हैं? अहमद नवाज, आपको मैंने कमिट किया था ब्रेक के बाद वापस आके आपकी बात सुनेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? जुगन जी देखिए, अगर मियां बीवी के अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो हमारे फैमिली मेंबर्स में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इख्तलाफ पैदा करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग आपस में पैदा किस तरह करें, फिर तुम मुझे बताओ ना कि वो बाहर वाले क्या करते हैं, पहले अंदर वालों में कैसे अंडरस्टैंडिंग पैदा करें। देखो, दो लोगों की आपस में शादी हुई भी है, एक खातून को बहुत सफाई पसंद है, मर्द हर वक्त कमरे में मैस मचा रहा है, ठीक है। फिर मर्द को शौक है कि उसकी बीवी खाना बनाए और वो उसके हाथ का खाए, वो ना सुबह नाश्ते के वक्त जागती है और उसके काम से आने के बाद वो सोने के लिए चला जाता है, वो सारी रात उठ के
ऑनलाइन चीज़ें देख रही होती है, आपस में इन चीज़ों पे इख्तलाफात शुरू होने हो जाते हैं और फिर मामला ज़रा ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, स्पेशली जब बच्चे हो जाते हैं। कुछ बच्चों के मामलात को देखे कि वो क्यों नहीं उठाते और ये है वो उससे क्यों नहीं प्यार करते और उसके लिए ये सामान क्यों नहीं लेके आते, उसके लिए क्यों नहीं करते, ये चीज़ें बड़ी इख्तलाफ पैदा करती हैं, रंजिशें आ जाती हैं आपस में, वो पे कहते हैं नहीं जी इन इनको छोड़ें, इनको उनके हाल पर छोड़ दें, क्यों इनके इनके हाल पर छोड़ दें, ये ऑब्वियसली मैं आपको। और फिर बाहर वालों का अमल दखल आता है और वो कहते हैं छोड़ दे नू, नहीं छोड़ दे नू, चल तू काम कर जा। बाहर वाले आते ही जब हैं, जब आप उनको स्पेस देते हैं, आप स्पेस ही ना दें, जब आप स्पेस देंगे किसी थर्ड पर्सन को तभी आप कह दें सबको एक जो शटअप कॉल दे दे, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ। एनी मेरी बात सुनो, देखो हम एक ससुराल, देखो आप अगर अपने इन लॉज के साथ रहते हो, आपकी मदर इन लॉ आपको कोई बात कहती है, देखो एनी हम वेस्टर्न वर्ल्ड से नहीं बिलोंग करते, हम हैं पाकिस्तान में ही, मैं ये नहीं कह रही कि आप मतलब बिल्कुल ही छितर खाने शुरू कर दें, लेकिन अगर घर का बड़ा कोई बात कहता है वो तो रिस्पेक्ट तो खुद भी हजम करे ना जुगन, वो तो रिस्पेक्ट, बेशक सास हो गई वो तो बिल्कुल माँ है, मैं वही कह रही हूँ ना माँ, लेकिन आउटसाइडर्स जो हैं, जिनके आउटसाइडर्स जैसे खाला मामू चाचा, उनको शटअप कॉल देने का भी एक डिसेंट वे होता है कि आप प्लीज ये हमारा मैटर है इसमें आप नहीं बोलेंगी, लड़की अपने घर वालों को कहे और लड़का जो है वो अपने घर वालों को ये रिस्ट्रिक्ट कर दे कि लिमिटेशंस है, ये अगर हम दोनों की भी बात हो रही है, आई थिंक मेरा ये पसंद, आई एग्री विद दैट। देखिए जब फैसल और मेरी शादी हुई, आई गेस क्योंकि एक मेरा रह चुका था ऐसा बुरा एक्सपीरियंस लाइफ में, तो शायद हम दोनों क्योंकि ज़िंदगी में इस चीज़ से गुजर चुके थे पहले, तो हम लोगों ने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था कि देखो जो हमें एक दूसरे से इशू है या प्रॉब्लम है हम आपस में डिस्कस करना है। मैंने जाके मामा को चुस्नी लगानी कि मामा आप ज़रा फैसल को फ़ोन करके कहें, या फैसल जाके अपने घर वालों को बता, अपने देखिए जिस तरह मैं घर वाली हूँ उस तरह वो भी उसके घर वाले हैं, अब उनके भाई मुझे आके अगर किसी चीज़ पे लेक्चर देंगे तो शायद मुझे वो बात बुरी लग जाए, लेकिन अगर मेरा मियाँ मुझे आके कहेगा और मेरा फिर उनसे ताल्लुक खराब होगा, एग्जैक्टली आपका अपने इन लोगों के साथ ताल्लुक खराब हो जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। और अक्सर मैंने देखा है लड़कियां अपनी माँ को जाके कहती हैं माँ बाप को, फिर माँ बाप लड़के को बुला लेते हैं और उसकी मिट्टी पलीत करते हैं, और फिर जब उसकी मिट्टी पलीत होती है तो वो आगे से घूम के कहता है मैंने तो टू हेल विद दिस। जुगल जी एक बात ऐड ऑन कर सकता हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा ये मानना है कि जो आपके सास ससुर होते हैं आना जाना इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात भी काफी हद तक, पूरे हद तक नहीं काफी हद तक आए खुशी में गमी में जाना क्यों नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अजीब बात, देखो अगर फॉर एग्जांपल आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, हाँ जी एग्जैक्टली, आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, आपकी मिसेज अगर आपके साथ रह रही है तो वो आपके पेरेंट्स के साथ रह रही है, एक मिनट आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, ठीक है, आपकी वाइफ आपके पेरेंट्स के साथ आपके साथ रह रही है, उसके माँ बाप का दिल नहीं है, है क्यों नहीं है, तो फिर क्या करें, लेकिन जो एक दबाव में फतूर भरा होता है वो जाके निकालना होता है ना वो बड़ा खतरनाक होता है। नहीं तो वो अगर आपने फतूर निकाले तो फिर आप इतनी तो मार्जिन देना कि फिर अगला जाए और रेगुलरली अपने पेरेंट्स के घर भी रहे। मैं तो बाय द वे फ्रॉम डे वन ये बात कहती हूँ कि आपका अगर 7 days ऑफ द वीक है, एटलीस्ट जब तक बच्चे नहीं होते तो आप कम अज कम वंस अ वीक अपने पेरेंट्स के पास लड़की जाके पूरा दिन गुजार के आए, अपनी फैमिली अपने पेरेंट्स को सबको मिल ले, इतना राइट बनता है। रंजिशें तब पैदा होती हैं जब बहुत बहुत अरसा आप देखो एक बच्चे को आप माँ बाप से दूर करोगे उसके क्या माइंड का हाल होगा, वो भी तो उतनी इंसान है ना जितने तुम हो शायद तुमसे ज्यादा। जी ये चाह रहे हैं कि सारी जिंदगी ना इनके माँ बाप के साथ गुजार दे, अपने माँ बाप को मिले, ये ज्यादा तकलीफ होती है इनको कि इनके घर वाले इतने आना जाना क्यों लगा हुआ है, मेरे माँ बाप की खिदमत करें ना, नहीं तो वो उनके अपने भी तो माँ बाप छोड़ के आई ना वो, अहमद क्या बात कर रहे हो, देखो आपको देखिए फर्ज की अगर बात करें ना, नहीं कर रही थी, अगर फर्ज की बात करें तो आपका फर्ज है कि आप अपने माँ बाप की खिदमत करें, आपकी बीवी का फर्ज है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, और आप दोनों भी एक दूसरे की माँ बाप की खिदमत करें, इधर बैठ के आप ये कह रहे हैं कि वो उसके माँ बाप मेरे घर तक ना आए तो वो फिर क्यों आपके माँ बाप, देखिए बात बैलेंस की होती है, अगर मुझे अपनी सास से इतना प्यार है तो वो इसलिए है क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरी अम्मी के और मेरे भाई और मेरे बहन का भी बहुत ख्याल करता है, आप एक दूसरे की हयाम करेंगे तो आगे से रिश्ता नहीं बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली अहमद जैसे तुमसे बातें कम सुननी चाहिए, अहमद भाई आउटसाइडर्स को डिसेंट वे में शटअप कॉल देंगे प्लीज, हमारे मामला में ना बोलें, शटअप कॉल वर्ड ना यूज करो, वो थोड़ा सा बड़ा नेगेटिव वर्ड है, मतलब आप आउटसाइडर्स को कहेंगे रिस्ट्रिक्ट कर दें कि ये रिस्ट्रिक्ट कर दें कि ये बाउंड्रीज है हमारे जो भी पर्सनल मैटर्स है, मैं ये समझती हूँ बाहर जाने की बात जरूरत पड़े क्यों, आपके साथ आपका हस्बैंड का ताल्लुक ही इतना अच्छा होना चाहिए
कि वो आपका दोस्त हो, ये नहीं हो कि आपको डर लगता हो बात करते हुए अपने हस्बैंड से। एक्सपीरियंस जो है मेरे हस्बैंड के साथ मेरा ताल्लुक बहुत अच्छा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और कभी कभी जाहिर है उसके पीछे राज क्या है हम ये जानना। राज ये है कि मेरी बड़ी ख्वाहिशें वो पूरी करता है, कभी कभी मेरा भी झगड़ा हो जाता है उसकी कई बातों से, मगर ये है कि काफी दफा कुछ मान लेती हूँ, कुछ उसकी मैं मनवा भी लेती हूँ, मगर ये होता है कि हमारे में बहुत ही प्यार है आपस में, शुक्र अल्लाह का। नहीं बहुत अच्छी बात। कुछ कहना चाह रहे हो बेटा अनवर भाई? जब इनकी शादी होगा कि बेटियाँ क्या होती है और वालदैन क्या होते हैं, अभी तक शादी नहीं ना हुई। शादी हो चुकी है बेटी की। हाँ खैर, हमें किसी के पेरेंट्स और किसी के फैमिली के बारे में इस तरह के कमेंट्स नहीं पास करने रिमशा, बट द पॉइंट इज अल्टीमेटली वही वाली बात होती है कि जब अपने बच्चे होते हैं तो माँ बाप का एहसास होता है, और जब अपने बच्चों की आगे जाके शादियाँ होती हैं तो तब हम महसूस करते हैं कि दर्द क्या होता है अगले की बेटी का। यू नो बेटा और बेटी दोनों ही बड़े प्यारे होते हैं। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे बेटा जो है उसके साथ यूजुअली पेरेंट्स साथ ही रहते हैं, जो एक बड़ी प्यारी बात है, लेकिन बच्ची जो है ना अल्टीमेटली अपने माँ बाप उसको तो मिस करती है, और बच्चियाँ तो वैसे ही घर में लाडली होती हैं। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ जो बड़ा सख्त टॉपिक है जो है वायलेंस, मर्द हाथ बहुत उठाते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, इसके बारे में आप तीन मर्दों की मैं राय ज़रूर लेना चाहूँगी। क्या किसी भी केस में, क्या किसी भी सिचुएशन में, क्या मर्द का औरत पे हाथ उठाना आपके नज़र में अप्रोप्रिएट है, करेक्ट है? इसके ऊपर मैं आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, एक और चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं और लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि हाथ उठाना बच्चियों पे, बहू पे, बहू ने सास पे हाथ उठाया, सास ससुर ने मिलके बहू को मारा, हस्बैंड ने वाइफ को मारा। मैंने तो ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे लड़के ने जब अपनी बीवी पे हाथ उठाया तो लड़के के माँ बाप ने लड़के को घर से बाहर निकाल दिया कि तुम दफ़ा हो जाओ, ये बच्ची कहीं नहीं जाएगी, ये हमारे घर की इज्जत है। लेकिन क्योंकि हमारे पास हम बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स कर रहे हैं और ये कोई लड़ाई वाला बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स नहीं है, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं। तशद्दुद के बारे में आपकी क्या राय है? तशद्दुद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पक मार मार के भुरकस निकाल दिया, मैं थप्पड़ की भी बात कर रही हूँ, मैं गाली गलोच की भी बात कर रही हूँ, या मेंटली टॉर्चर की भी बात, हम इसी में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हूँ। नहीं देखें, अगर वो मर्द को जेब नहीं देता कि किसी भी औरत पे हाथ उठाए, और उसको वो मर्द ही नहीं जो औरत पे हाथ उठाए, और सेकेंडली ये बात है कि किसी भी इवन बातें भी नहीं ना गाली गलोच करनी चाहिए, बिकॉज औरत की रिस्पेक्ट तो हमारे रिलीजन में भी यही है कि रिस्पेक्ट करना चाहिए। और आप क्या कहोगे? हाथ उठाना चाहिए मगर दुआ के लिए, उनके अच्छे नसीबों के लिए, और औरत पे तो बिल्कुल भी किसी भी तरह की सख्ती करनी नहीं चाहिए। अगर वो बेटी के रूप में है तो वो थोड़ी देर के लिए आपके पास होती है, फिर वो अपने घर चली जाती है। माँ है तो माँ तो माँ होती है, माँ के पैरों तले जन्नत है, बीवी है वो तो आपके बच्चों की माँ है, वो आपकी ज़िंदगी का साथी है, उसके साथ तो बिल्कुल भी गुस्सा करना ही नहीं चाहिए किसी भी बात पे। कुछ मान लो कुछ मनवा लो, अच्छी लाइफ गुजर जाती है। बहुत अच्छे, बहुत स्माइल कर रहे हो अहमद, क्या क्या सोच रहे हो? अहमद को मार पड़ती है, अहमद यही सोच रहा है मुझे कुट पड़ती है। बाय द वे इस पे भी मैं थोड़ा गिला करना चाहूंगी व्यूअर्स, खवातीन जो अपने शौहरों पे हाथ उठाती हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि मर्द औरत पे हाथ उठाता है, ये भी बहुत ज़्यादा मैंने देखा है घरों में, कि मतलब अगर अगला ज़रा मतलब ज़रा जेंटल या सॉफ्ट हार्टेड या अच्छा बंदा है तो बीवी जो है इस बात का एडवांटेज उठाते हुए, देखें थप्पड़ मारना, खातून को भी अगर कोई थप्पड़ मारता है तो उससे दर्द इतनी नहीं होती जितना हम अगले की को ह्यूमिलिएट करते हैं और शर्मिंदा करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन खवातीन से भी जो अपने शोहरों पे हाथ उठाती हैं, कि अगर हम मर्दों को कहते हैं कि आप ज़रा इंसान के बच्चे बने, तो फिर खवातीन को भी हाथापाई में हाथ किसी को भी नहीं उठाना चाहिए, ना मर्द को ना औरत को, इक्वल है। लोग अक्सर हंसते हैं, हंस पड़ते हैं, जैसे अभी मैंने कहा ना कि मर्द को मारते हैं तो वो दो तीन लोग मैंने सेट पे देखे हंसना शुरू हो गए, बट देखें आप अगले की इज्जत नफ्स को खराब कर रहे होते हैं, आप अगले को डैमेज कर रहे होते हैं ज़हनी तौर पे, चाहे मर्द औरत को करे, औरत मर्द को करे। और क्यों आपने अपनी इस किस्म की जल्लादों वाली इंप्रेशन देनी है, और ये क्या बिहेवियर है कि खवातीन, और फिर मारेंगी और
मेरे एक दोस्त है मियाँ बीवी, तो मेरी उनसे एक दिन बात हो रही थी, तो मुझे क्या कहता है, कहते हैं कि बहुत मारती है और एक दिन मेरा हाथ उठने वाला था। मैंने कहा क्या मतलब हाथ उठने था, ये वो ये वो, तो वो हंसना शुरू हो गई। कहती है हाँ मैं इसको प्रॉपर कूटती हूँ। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा क्या मतलब, कहते हैं जुगन ये हंस रही है, मुझे ये बात फनी नहीं लगती, ये गुस्से में आती है, धक्के मारना शुरू कर देती है, थप्पड़ मारने शुरू कर देती है, किसी दिन मेरा हाथ उठ गया इसको परे करने के लिए तो मेरा साइज देखो और इसका साइज देखो, इसका कीमा निकल जाएगा। तो मैंने कहा तुम्हारा तो बनता ही नहीं है। कहता मैं नहीं उठाऊंगा हाथ, लेकिन कभी अपने आप को बचाने के लिए कोई बंदा इस तरह करता है तो वो जाके दीवार से लग गई, उसका सिर फट गया, कुछ हो गया, तो सारी जिंदगी के लिए मतलब मैं इसमें वो हो जाऊंगा। और मैं खुद बेटियों का बाप हूं, इसको समझाओ कि ऐसे ना किया करे। तो हाथापाई जनरली अवॉइड करनी चाहिए, हाथ उठाना नहीं चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, ना प्रोवोक करे, ना मर्द औरत को प्रोवोक करे, ना औरत मर्द को प्रोवोक करे। आप लोगों की तरफ आऊंगी। जी अहमद क्या कह रहे हैं, बेसिकली अगर जब आप इस तरह की कुछ जो है वो करते हैं घर में, इशू क्रिएट करते हैं, मार कुटाई वाला या गाली गलोच वाला, तो छोटे छोटे बच्चे उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे देखते हैं और बच्चे इस चीज को करने खुद करने की कोशिश भी करते हैं। जैसे कहते हैं ना बच्चे खेलते हैं आपस में कि आओ हम लोग भी खेलते हैं, तो वो इस तरह मैंने अक्सर देखा बच्चों को गाली गलोच करते हुए इस तरह। वो एक वीडियो भी वायरल हुई थी ना अहमद, एग्जैक्टली आपने शायद मुझे भेजी थी कि ये देखे। मतलब अहमद के साथ मेरा एक हंसी मजाक वाला बहुत डायनामिक है हमारे शो के अंदर, लेकिन कभी कभी बड़ी सीरियस डिस्कशंस भी हमारी होती हैं। और इसने मुझे वो वीडियो भेजी थी, एक बच्चा सा ना कॉपी कर रहा था शायद अपने पेरेंट्स को, और वो अपनी बहन को मार रहा था बार बार और उसको गालियां निकाल रहा था, छोटा सा बच्चा, और हम हक्का पक्का रह गए कि ये हुआ क्या है। असल में वो प्रॉब्ली घर में देखता था। क्या कहेंगे? वैसे मैं इस बारे में कुछ इसलिए नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि कभी ना मैंने अपने हस्बैंड को मारा ना उसने मुझे, बट इसीलिए तो एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हो ना मेरी जान, इसीलिए तो एक खुशगवार माशाल्लाह जिंदगी गुजार रहे हो। चलो फिर एनी आप अपना पॉइंट। मुझे ये लगता है मार हाथ की मार से भी ज्यादा ना जो आपका मेंटली टॉर्चर है ना, कुछ औरतें मर्दों को कर रही होती हैं मेंटली टॉर्चर, मुझे लगता है मार से भी ज्यादा तकलीफ दे होता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे आपके इस प्लेटफॉर्म से जुगन कि मेंटली टॉर्चर ना दें, इंसान की पूरी पर्सनैलिटी स्पॉइल हो जाती है। बताओ जाने नहीं, बट आपने देखा तो होगा ना आपस में फ्रेंड्स वगैरह, किसी की तो शादी हुई होगी, हमारी भी नहीं हुई। नहीं, मैंने कभी इतनी ज्यादा फ्रेंड नहीं बनाई, तो बस मैं खुद में रहती हूँ ना, मैं किसी से इतना ज्यादा फ्रैंक होती हूँ और मुझे पता ही नहीं है। लेकिन ये मामा पापा ज़रूर कहते हैं कि बेटा जब आपकी शादी होगी ना आपने अपने हस्बैंड की मतलब सही से केयर करनी है, आपने ये देखना है कि जैसे हम हैं। वही तो बात है ना, देखें हम हमेशा शौहर को एक सेपरेट एंटिटी समझते हैं, वो भी आपका फैमिली मेम्बर ही है। हम कहते हैं मेरी फैमिली और मेरा शौहर, भाई आप की जब शादी होगी तो आपका शौहर भी आपकी फैमिली ही हो गया, बल्कि वो ही फैमिली हो गया जुगन, भाई फैमिली फिर सारे हो गए ना, फैमिली एक्सटेंड हो गई जुगन। एक बात और, लड़की हमेशा अपने हस्बैंड में ना अपने बाप को तलाश करती है, क्योंकि लड़की हमेशा अपने वालिद साहब से बड़ा इंस्पायर होती है, प्रोटेक्टर चाहिए ना, एग्जैक्टली। तो वो एक शेल्टर के लिए मतलब अपना घर छोड़ के अपने कस्टम को बहुत, क्योंकि डिफरेंट फैमिली में जा रही होती है तो अपने वेयर अबाउट, अपना बॉडी लैंग्वेज सब कुछ, और करना चाहिए बहुत रिस्पेक्ट के साथ लड़की को रहना चाहिए, बड़ों का अदब भी करे। अगर सास या नंदे कोई भी अगर हार्श बोल भी दिया है अपने प्यार से जीत ले, दरगुजर भी करे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बड़ी दफ़ा मियाँ बीवी जैसे कि जिस बात की तरफ अहमद ने इशारा किया कि मियाँ बीवी का आपस में बड़ा प्यारा ताल्लुक होता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली लड़की की अम्मी कह रही होती है उन्नू कह तन ले के दे होर जेवर लेके दे, उन्नू कह कर ले घर नहीं लेगा तुम लोग, कार ना कराओ। अच्छा ये भी चीज हमने अभी डिस्कस करनी है, लेकिन थोड़ा सा लाइट कर देते हैं मूड, अहमद नवाज साहब कुछ सुना दीजिए बातों के अलावा, फिर हम ये भी बात करेंगे कि ये जो डिमांड्स होती हैं आजकल लड़कियां भी बहुत मनी माइंडेड हो गई और लड़के भी जब अपने रिश्ते, जब रिश्ते की बात हो रही होती है और सारा कुछ, तो कहते हैं कि वही कुछ सेट लड़की हो जिसके घर हाँ, में बिल्कुल पीछे से गाड़ी को बंगला साथ है, तो इसके भी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। गोल्ड डिगर्स आफ्टर द सॉन्ग। Oh,
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कहते हैं कि दिल का रास्ता जो है वो पेट से ही कहीं गुजर के जाता है, और उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि खाना पकाना ख्वातीन का काम है, जिससे मुझे पर्सनली बहुत बड़ा वट है। और वो इसलिए है क्योंकि अगर दोनों लोग घर में वर्किंग मेंबर्स हैं तो फिर क्या दोनों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो खाना बनाए, या हर जिम्मेदारी खातून की ही है? ये मेरा एक गिला है। और यहाँ पे मैं दाद देना चाहूँगी उन मर्द हजरात को, मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं, एक दो नहीं बहुत से ऐसे देखे हैं जहाँ पे एक्चुअली क्योंकि हाथ में ज़्यादा मज़ा मर्द के है तो वो ही कुकिंग करते हैं और वही मेजर मेजर जिस तरह पाए हो गए, निहारिया हो गई, हलीम हो गया, हरीसे हो गया, वो चीज़ें खुद बनाते हैं। सो खाना भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन उसको तरीके से बनाना और हर दोनों हर किसी का बनाना जरूरी है। अच्छा, ये हम जो डिश बना रहे हैं पहले इसकी बात करेंगे, उसके बाद फिर मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। जी बिल्कुल, मैंने जैसे कि शुरू में बताया था कि मैं वेजिटेबल को ब्लांच करूंगी, आप देख सकते हैं ब्लांच है, इसको मैंने पानी जब खोल रहा था तब सब्जियों को डाला और 7 मिनट के बाद इसको मैंने निकाल के रख दिया, ये बिल्कुल गल चुकी है। ग्रेवी मैंने इसकी रेडी कर ली है और ग्रेवी जैसे कि हमेशा क्या क्या डाला है, इसमें मैंने सबसे पहले प्याज को मैंने सौते किया, फिर उसमें मैंने जिंजर गार्लिक डाला, फिर इसमें मैंने टमाटो प्यूरी डाल दी, आप टमाटो काट के भी डाल सकते हैं, फिर मैंने इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स डाले जैसे कि कुटी लाल मिर्च है, साथ में जायफल जो है बिल्कुल एक पिंच है, फिर इसमें लाल मिर्च है, साथ में पीसा धनिया, साथ में सॉल्ट है। अच्छा, ये पानी भी डाल दूं इसके अंदर? हाँ जी, पानी भी टाइप हो जाएगा, इसी में जाएगा पानी भी। और मैंने इसमें साथ थोड़ा सा तवे पर मैंने इसको जीरा और साथ में काली मिर्च और साथ में सूखा धनिया ये मैंने हल्का सा इसमें भुना है, और इसमें साथ में वो भी इसमें डालेंगे थोड़ा सा इसमें फ्लेवर देने के लिए, ये भी डाल दें। अब हम इसको बिल्कुल दम पे रख देंगे और इसको हम दम पे पकाएंगे बिल्कुल 5 से 7 मिनट, क्योंकि ये अब ऑलरेडी रेडी है, बिल्कुल रेडी है ये, इसको आप देख सकते हैं एक बॉयल आ जाए ताकि वो अच्छी तरह वो हो जाए नेक्स्ट। अब ये तो आराम से कोई बंदा भी बना सकता है जिसने जिंदगी में अंडा नहीं फ्राई किया, वो ये भी बना सकता है, खासतौर पर स्टूडेंट्स और खासतौर पर वो जो अपने शहर छोड़ के आए हैं, दूसरी जगह पे गए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अपने अपने अंदर थोड़ा सा लेकर आए डेडिकेशन और खुद से बनाए। और दूसरी बात ये कि वेजिटेबल आपको खाना कितना और देखो बेसिक अगर आपको वो बनानी आ जाए ना ग्रेवी नीचे ग्रेवी, वाली उसके अंदर फिर आपने अब इसी के अंदर इसी ग्रेवी के अंदर अगर आपने मीट डाल के उसको थोड़ा भून लिया होता फिर उसके अंदर आप वेजिटेबल डाल के उसको दम देते तो आप बहुत अच्छा वेरियस ग्रेवीज बन सकते। और वैसे भी ये तरीकाकार भी यही है। अच्छा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, हम अभी बात कर रहे थे तो आपने आवाज दी कहा कि मैंने भी जुगन एक बात बतानी है, बिल्कुल क्या आप कहना था? मैं कहना ही चाहूंगी कि बेसिकली जुगन मैंने जो नोट किया और जितने मुझे अरसा हो गया पढ़ाते हुए, जितना मुझे अरसा हो गया इस फील्ड में आते हुए, मैंने जो मेरा एक तजर्बा है वो ये कि मोस्टली जो सबसे पहले लड़ाई स्टार्ट होती है वो एक किचन से स्टार्ट होती है, किचन के बाद ही आपके बिजनेस अलहदा होते हैं, फिर आपके घर अलहदा होते हैं, क्योंकि एक लड़ाई कप से एक चाय से या कुछ भी कह लें कि आपके एक थोड़े से एटीट्यूड से। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो हमारे यहाँ देखा गया है कि थोड़ा सा हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, तो अगर बर्दाश्त हो दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये कि दो लोगों में जब तीसरा आता है तो डेफिनेटली आपकी काम ख़राब हो जाता है, तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। और वही बात आ जाती है कि जब आप किसी के लिए कोई चीज़ अच्छी बनाते हैं अच्छी प्यार से, हर एक नाराज़गी का हल एक कप ऑफ चाय है, तो मेरा ख्याल है एक कप ऑफ चाय पिलाएं। और दूसरी बात ये कि जब आपके पास कोई आता है, कहते ना बिन मांगे किसी को कुछ देना, वो ये नहीं है ज़रूरी कि आपने किसी को बहुत तोहफे तहाइफ देने, आप खुशी भी दे सकते हैं, एक प्यार सी स्माइल भी दे सकते हैं जो नहीं देती आमतौर पे भी फीमेल्स, जब मेल घर में आते तो स्माइल तक नहीं देती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि मुस्कुराहट आप तब देते हैं जब अगला भी आपकी तरफ मुस्कुराए। बात यह है कि अगर हस्बैंड घर आएगा बुरे मूड में तो बीवी का मूड ख़राब हो जाएगा, बीवी का अगर बुरा मूड होगा और मियाँ मुस्कुराता आएगा तो हस्बैंड का मूड ऑफ हो जाएगा। देखिए व्यूअर्स, ये ताल्लुक इतना खूबसूरत और इतना करीबी ताल्लुक है कि अगर आप एक दूसरे के साथ, जिस तरह आप देखते होंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में टैंगो डांस है, आप एक बंदा लीड करता है दूसरा फॉलो करता है, फिर दूसरा लीड करता है तो पहला वाला फॉलो करता है, ये एक म्यूचुअल, ये रिश्ता भी एक डांस की तरह का है जहाँ पे आपने एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, एक दूसरे के साथ चलना है, एक दूसरे को फॉलो करना है। कहते हैं ना कि लिबास होता है मियाँ बीवी एक दूसरे का, तो अगर आप एक दूसरे के लिबास की हिफाजत करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपका रिश्ता बहुत प्यारा और बहुत अच्छा चलेगा,
और मोहब्बत वाला रिश्ता है जुगन, और इस पे मेरा ख्याल है कि खट्टी मीठी बातें तो चलती रहती हैं, खट्टी बातें तो रहने ही देना चाहिए, दरगुजर कर देना चाहिए, देखिए दरगुजर कर देना चाहिए। और रिश्ते और ताल्लुक जो होते हैं वो बड़े एक ग्राउंड बेसिक लेवल पे स्टार्ट होते हैं, जब शादी, जब रिश्ता, कोई ताल्लुक बनता है। देखिए मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। आपको भूख लगी होगी? भूख लगी, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, जो मर्जी हो जाए, बेशक वो स्लो स्लो बातें हो रही हो। वो मतलब से कह रहे स्लो बातें हो रही है, वो कहते ना कि जी रोटी खुल गई है तो बस रोटी खुलने वाली है। सुबह से लेके शाम तक खाता रहता है लेकिन इसकी बर्दाश्त नहीं खत्म होती, पता नहीं इसका एक स्टैंडर्ड एक रनिंग चीज है। खैर हम अब जाएंगे गाने की तरफ। जब शेरी खान हमारे साथ हैं तो बहुत ही अमेजिंग सा उन्होंने एक सॉन्ग तैयार किया है, शेरी का सॉन्ग सुनेंगे। और जब वापस आएंगे तो वो जो गोल्ड डिगर्स की बात है कि लड़कियां भी डिमांड करती हैं, लड़के भी डिमांड करते हैं, बल्कि शादी से पहले हमने ये एस्टैब्लिश कर दिया, गवर्नमेंट ने भी कहा है जहेज एक लानत है, लेकिन इस जहेज के अजाब से कोई निकलना नहीं चाहता, इतने लंबे लंबे चट्ठे मिल जाते हैं, कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, जो आपका दिल चाहे आप दे दें। वैसे लड़के के पास गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है अपनी, उसकी बाइक पुरानी हो गई है तो बाइक अगर, और पता है वो कमरा भी सेट करना होगा, और कुछ लड़के को अगर घड़ी शड़ी अच्छी डाल दे, नाना करते करते भी लाखों के बिल जो हैं वो लड़कियों को दे दिए जाते हैं कि ये साथ लेके आइएगा, जहेज के नाम पे नहीं, जो जी चाहता है वो। इस पे गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, अभी चलते हैं शेरी खान की तरफ। अच्छा मेरे तुम्हारे दर में आ होने लगी है मस्तियाँ, हौले से होने लगी नई दोस्ती, तेरे होठों के रूप से, तेरे गालों की धूप से फैली है चारों तरफ बड़ी रोशनी। भूली भाली है
की करा वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. हम बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी मियाँ बीवी के ताल्लुक की. लड़कों को लड़कियों से क्या गिला है, लड़कियों को वाइस वर्सा किसको किससे प्रॉब्लम है. इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. कोशिश तो कर रहे हैं कि मुस्कुराते हुए ये बात करें, और मुस्कुराहट की जब हम बात करते हैं तो कोलगेट स्पार्कल ही जहन में आता है, क्योंकि कोलगेट स्पार्कल दांतों की मुकम्मल हिफाजत के लिए एक बेहतरीन और मुकम्मल टूथपेस्ट है. कोलगेट स्पार्कल में शामिल है लौंग, पर्ल पाउडर और फ्लोराइड. ये तीनों चीज़ें कंबाइन करके आपको एक परफेक्ट मिक्स देती हैं, क्योंकि फ्लोराइड, लौंग और पर्ल पाउडर के पीछे कोलगेट की बहुत लंबी चौड़ी साइंटिफिक रिसर्च है कि जब आप इनको कंबाइन करते हैं तो दांतों की हिफाजत भी हो जाती है, दांतों में दर्द वगैरह के इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाते हैं, और आपके दांत चमकते हुए सफ़ेद हो जाते हैं. क्योंकि फ्लोराइड जो है वो आपके दांतों को मजबूती फराहम करता है, कीड़ा लगने से इसे बचाता है, जिसे कैविटीज़ भी कहते हैं. लौंग दांत की तकलीफ को में आपको आराम देता है और आपके सांसों को महका देता है, और पर्ल पाउडर दांतों को चमका देता है. सो बेहतरीन कॉम्बिनेशन है. आप भी ज़रूर कोलगेट स्पार्कल का इंतखाब कीजिएगा. अगर आप कोलगेट स्पार्कल का ये गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहते हैं तो उसका जीतने का बहुत ही सिंपल तरीका है. 03209463502 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें तस्वीरें कोलगेट स्पार्कल के साथ, और आप जीत जाएंगे ये गिफ्ट हैम्पर. अब चलते हैं बहुत ही ब्रिलियंट एनी के पास और देखते हैं कि कौन सा खूबसूरत अपना सॉन्ग वो परफॉर्म करने जा रही हैं. जी एनी, ओवर टू यू. मशगूल रहना है, आठों बहन
एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल द वंडरफुल द वेरी वेरी टैलेंटेड एनी जैदी। और व्यूअर्स, अब बात करते हैं, जब खूबसूरती की और ब्यूटी की बात करते हैं तो जहन में जो सबसे पहला नाम आता है वो है एन फ्रेंच। एन फ्रेंच एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम है जो आपके गैर ज़रूरी बालों को बहुत ही जेंटली और इफ़ेक्टिवली रिमूव कर देती है और आपकी स्किन को सिल्की स्मूथ छोड़ देती है 3 से 6 मिनट के अंदर। कैसे? क्योंकि एन फ्रेंच की एक बहुत ही प्लेजेंट रोज़ फ्रेग्रेंस भी है और इसके फॉर्मूला जो है उसके अंदर ऑलरेडी शामिल है ऑयल और मॉइस्चराइजर्स जो आपकी स्किन को सैटन लाइक सॉफ्टनेस देती हैं और आपके स्किन के मॉइस्चर को इंटैक्ट रखती है। आपको सैलॉन स्मूथ स्किन मिल जाती है 5 मिनट के अंदर अंदर। बहुत ही कन्वीनियंट हेयर रिमूवल ऑप्शन है। आपको पता है पार्लर्स में सैलॉन्स में जो ऑप्शंस दूसरे होते हैं हेयर रिमूवल के वो बहुत ही पेनफुल यानी कि दर्दनाक होते हैं, तो ये एक पेनलेस ऑप्शन है। आपके बालों को जेंटली भी रिमूव कर देता है, मॉइस्चर भी इंटैक्ट रहता है। अवेलेबल है ये क्रीम और लोशन फॉर्म के अंदर। बाय बाय सैलॉन, हेलो एन फ्रेंच। आपने हमें 20 सेकंड की वीडियो बना के भेजनी है, 20 सेकंड के अंदर अंदर की वीडियो, इट कैन इवन बी फॉर 10 सेकंड्स। अब वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इस किस्म की चीज़ आपने बनानी है। You at French. इसके बेबी ऑयल्स और मॉइस्चराइजर्स बनाए स्किन 2 times softer and smooth. Wow! कौन सा सैलून? Bye bye salon, hello and French. जी हाँ, आपने कहना है बाय बाय सैलॉन हेलो एन फ्रेंच, जो हमारा स्लोगन है, हमारा लोगो है और आप जीत सकते हैं एन फ्रेंच की तरफ से ये बेहतरीन गिफ्ट हैम्पर। अब व्यूअर्स चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक पर जब वापस आएंगे तो जहेज यानी कि ये जो एक गोल्ड डिगर मेंटालिटी है, लड़के वाले जहेज एक्सपेक्ट करते हैं, लड़की वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़का जो है वो कोई अरबपति खरबपति होगा, इस मसले का क्या हल है ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जहाँ पे हमने अपनी गुफ्तगू छोड़ी वहीं से रिकैप करते हैं। अब सवाल ये है, सबसे पहले तो एनी मैं आप लोगों की तरफ ये बात लाना चाहूँगी और क्योंकि रिमचा आपके भी शादी नहीं हुई तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहूँगी। लड़कों का अब ये गिला है आजकल कि भाई खवातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिमांड्स करती हैं शादी से पहले ही। अब एक आप 25-26 साल के लड़के से एक्सपेक्ट करें कि उसके पास अपना घर भी होगा, अपनी गाड़ी भी होगी, बिजनेस भी होगी, तो ये कहाँ से कैसे होगा? जुगन, ये सवाल भी बहुत अच्छा है और इसका जवाब बड़ा अच्छा आला है। जवाब ये है कि जब लड़की अपने घर जा रही है तो पहले तो हर जब हम कहीं पर भी बाहर घूमने जाते हैं या कहीं पर भी बाहर जा रहे होते हैं तो हम अपने आप को प्रॉपरली रेडी करते हैं उस काम के लिए, तैयार भी होते हैं, मेकअप शेकअप भी कर रहे होते हैं, वॉट एवर जो भी है। लेकिन हम अपनी बच्ची को दूसरे घर भेज रहे हैं तो उसको ये मेक श्योर कराना है कि वहाँ रिस्पेक्ट तो डेफिनेटली देनी ही है। और दूसरी ये कि जितना वो लड़का है जो भी आपको पहले से पता था ना कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो बाहर देख के कि उसके पास घर है, जिस दिन बंदे ने ये डिमांड शुरू कर दी होती है कि उसके पास घर है, उसके पास वो गाड़ी है, अगर गाड़ी है तो उससे अच्छी गाड़ी है, मोबाइल फ़ोन है तो उससे अच्छा है, ये डिमांड जहाँ शुरू हो जाती हैं वहीं पे से आप पे शुरू। एग्जैक्टली। जब मैंने देखा कि यंग लड़कियाँ जब माँ बाप रिश्ते की बात करते हैं तो सबसे पहली बात अब ये कहती हैं कि पैसे उसके पास होने चाहिए, बहुत अमीर होना चाहिए, आप क्या कहोगे? नापी, मैं तो ये नहीं कहती कि पैसा होना चाहिए। जो फिर पैसे को चुनती हैं वो अपने हस्बैंड का प्यार नहीं ले सकती। हमेशा पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अच्छे से चलना चाहिए, जैसे भी है हर हालात में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पैसा हो उधर ही शादी हो, फिर एक चीज़ मिलती है, या तो प्यार मिलता है या पैसा मिलता है, हस्बैंड से एक चीज़ ले सकते हैं आप। तो मेरा यही कहना है कि पैसा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और बात यह कि देखें, इंशाल्लाह वक्त के साथ तो सिचुएशन हो ही जाती है, हम कितने कप या तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे हो ना, लेकिन लड़कों के एंड से ये ट्रेडिशनली एक चीज़ चलती आ रही है, एक लिस्ट आ जाती है डिमांड्स की माँ बाप की और अक्सर लड़के को पता भी नहीं होता कि माँ बाप ने वो लिस्ट भेज दी है। एग्जैक्टली। शेरी, सोच समझ के डिमांड्स करनी चाहिए। अगर लड़की के माँ बाप की इतनी विसात नहीं है कि वो उसको सब कुछ अरेंज करके दे सके तो इतना डिमांड नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिमांड करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले तो वाकई बात आपकी वही आगे, डिमांड नहीं करना चाहिए। देखिए, लड़की की अपनी खुशी से वो क्या लाना चाहती है वो उसकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। जब कोई कहता है ना आपका जितना दिल चाहता है आप दे दें,
जाहिर ही बच्ची जाएगी इधर उधर, कोई ना कोई जेवर तो उसके पास होना चाहिए, ये भी तो होना चाहिए, वो अच्छा, भी तो होना चाहिए। अच्छा, आप कह नहीं रहे लेकिन आपने कह तो दिया जी है। हाँ। लेकिन जुगन मुझे ये लगता है कि जैसे अभी शहरी ने कहा, तो उसके बात को मैं कंटिन्यू करती हूँ। शहरी ने कहा कि डिमांड जो है वो देख सो सम, पहली बात तो ये कि चाहे वो साहिब इस्तताद भी है इन केस, तो मैंने यही तो अभी कहा है आपने कि डिमांड नहीं, मतलब डिमांड तो करनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। वो माँ बाप जो, वो तो हर माँ बाप की कोशिश होती है कि अपनी बच्ची को जितना हो सकता है अपनी मींस में रहते, बल्कि आउट ऑफ द वे जाते। लेकिन ये शादी की शर्त और डिमांड नहीं होनी चाहिए। मैंने सुझा ऐसी भी शादियां देखी हैं जहां पे रिश्ता की निकाह का टाइम है और वो कह रहे तुसी मोटर बाइक नहीं लेके आए मुंडे दी, चलो जी जाओ। गोल्ड डिगर्स अलग ही होते हैं मेरे ख्याल से। वैसे मेरे ख्याल से मैं अभी, मुझे पता नहीं है मेरी शादी किसके साथ होनी है, मगर मैं अभी से अपना अपने लिए हर चीज़ बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी अम्मा अब्बा से भी बोला हर चीज़ जहेज लेना ही नहीं चाहिए। अरे वो लड़की आ रही है, आप उसके लिए बल्कि हर चीज़ आप सजाओ खुद से, उसके लिए अच्छा रूम डेकोरेट करो, घर अच्छा बनाओ, ताकि वो आए वो अपना पन फील करे, उसकी न्यू लाइफ अच्छी स्टार्ट हो। भाई मुझे तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं कपल जो, जिनकी मतलब शादी का टाइम करीब आ रहा होता है तो वो आपस में मुशावरत से खुद ही अपने कमरे को डेकोरेट करते हैं, चीजें करते हैं। और 99% ऐसे कपल जो होते हैं उनमें लड़का ही होता है जो अपनी पे से अपनी सैलरी से जमा कर करके कर देता है। भाई कितनी अजीब बात है कि शादी हो रही है। अच्छा मेरी हमारी फैमिली में तो ये वाला एक बड़ा सिंपल उसूल है, जब भी वो कहते हैं जी आपकी कोई डिमांड तो आगे से जवाब एक ही आता है, जी बच्ची ने जो कपड़े पहने होंगे ना बस वो कपड़े वो पहन के घर के अंदर आएगी, अपना सूटकेस भी ना लेके आए, हम कर लेंगे, हम खुद ही उसके कपड़े भी बनवा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। और होना भी देखें ये चाहिए, आप एक बेटी गेन कर रहे हैं, अल्लाह की एक रहमत आपके घर में आ रही है, उस रहमत से बढ़ के आपको क्या मिलेगा या क्या चाहिए आपको? और अगर आपका बेटा आपको लग रहा है कि जैसे वो कोई एक ATM है जिसकी वजह से आपको चीजें मिलेंगी, मतलब बच्चे करते क्या है कि कमरा खाली कर देते हैं पूरा एक, हाँ, और कहते हैं भी इसका फर्नीचर भी आप लाएं, AC भी लगा के दे, अच्छा AC नहीं लगा सकते तो कूलर शूलर ये सारी चीजें करें, फिर भांडे बर्तन भी किचन के लेके आए, घर में आपके ऑलरेडी 2 फ्रिज हैं, आप तीसरा फ्रिज क्यों मांग रहे हैं भाई? वॉशिंग मशीन लेके आओ भाई, जब आपके घर में है वॉशिंग मशीन, और अगर आपके अपने घर में आप नहीं अफोर्ड करते वॉशिंग मशीन तो लड़की से क्यों मांग रहे हैं फिर? सॉरी ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल जी अहमद। देखिए मेरी जब शादी होगी तो मैं तो ये डिमांड करता हूँ कि जी मुझे लैंड क्रूजर चाहिए और 25 तोले सोना चाहिए, ठीक है? उन्होंने यही कहना हमें पनाह चाहिए क्योंकि मैंने हामी भर ली है उसके साथ शादी करने की, तो ये लेके आए मैं ताकि बिजनेस में। आपके जो तंजिया किस्म की सड़ियाँ होती है ना वो समझ आ जाती हैं हमें, उसने मतलब उसकी हो चुकी है शादी और अल्लाह का शुक्र उसके ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हम मजाक कर रहे हैं, बट ये एक बात है, ये मैंने लड़के भी ऐसे देखे हैं जिनकी ये सोच होती है। अच्छा कुछ ऐसी कि जब मैंने डन कर दिया है तो फिर अब मतलब को खुदा का खौफ करें, उस रब को अपनी जान देनी है, उस रब के सामने एक दिन शाम सामने हाजिर होके सर झुका के फिर अपने सारी ये बातें, और सबसे पहले ये वाली बात आगे आनी है कि आपने ज्यादती कितनी की अगले के साथ। खैर गाने की तरफ चले। बिल्कुल ये गाना ये जो मैं अब गा रहा हूँ ये बिल्कुल इसी पे बेस करता है। आर यू सीरियस? चलो ओवर टू यू। तुम ही हो मैं है वो मेरे
मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो। मैं क्यों ना इकरार करूं, मेरा प्यार याद रखना, मेरा प्यार याद रखना, अकेले न जाना, मेरी आरज़ू की तस्वीर तुम हो, जो दिल पर वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स जी, शेफ मनीरा क्या स्टेटस है किचन में, रेडी हैं चीज़ें? बिल्कुल रेडी हैं, और साथ में थोड़ी सी मेरे पास मेथी थी तो मैंने कहा थोड़ा सा मेथी और आलू का भी बना लेते हैं, तो मैंने साथ में भी बना के रखा है। यू सी, वेरिएशन आपके हाथ में है, जिसको जो पसंद है आप उसको उस हिसाब से बनाएं। अच्छा, गुफ्तगू को क्लोज करना है, हमने अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनका भी फाइनल मौकफ लेना है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, आप एंड में क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले कि पेरेंट्स को ख़ास तौर पर कि वो जो एक रस्म है ना लड़कियों को देखने वाली, काइंडली वो मत करें, वो उससे बड़ा एक तो दिल आज़ारी होती है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ लड़कियों का ना देखें, कभी अपने लड़कों को भी देख लिया करें, वो कैसे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इसने, वैसे हर वक्त जो है ना वो लड़कियों को लड़की देखने आ जाते हैं, और मतलब ये कोई मतलब कोई डेकोरेशन पीस देखने आ रहे हैं, वो नो डाउट आपको मुलाकात करनी चाहिए, बच्ची से भी मिलना चाहिए, लेकिन लड़के को बैठा देते हैं, लड़की ट्रॉली लेके अंदर आ रही है, सब उसको घूर के देख रहे हैं, और फिर वहां पे बैठे, नहीं जी हमें लड़की नहीं पसंद आई, अल्लाह माफी दे, तौबा इस्तगफार। हर इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है, बिल्कुल पसंद ना पसंद, आई मीन इस तरह से किसी के चेहरे के ऊपर बेस कर लेना। आपको खाना बनाना आता है, अगर लड़की सच बोल दे कि नहीं जी मुझे नहीं आता, मैं कॉलेज और अपनी पढ़ाई में ज्यादा मसरूफ थी, ऑब्वियस सी बात है कि आए हाय टाइम तो लगता ही है। मतलब ये सिंपल नोट में ये कहना चाहूंगी कि दूरबीन का इस्तेमाल ना करें, आईना भी देखें, और साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तो अल्लाह ताला ने जोड़ियाँ बनाई होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि जब भी जोड़ी बनती है तो उसको बड़ा खुशदिली से वेलकम करें, क्योंकि एक इंसान, एक माँ बाप अपने जिगर का टुकड़ा आपको देते हैं, तो मेरा ख्याल है उसकी कदर करें, उससे मोहब्बत करें, उसको प्यार करें, वो भी आपकी बेटियों जैसी है, अगर आप उसको रिस्पेक्ट देंगे तो डेफिनेटली वो भी आपको माँ बाप जैसा प्यार देगी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और अब चलते हैं अपने मेन स्टेज की तरफ। अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करने से पहले ऑफ कोर्स हमने शुक्रिया अदा करना है अपनी उन पर्सनालिटीज का जो हमेशा हमारे शो का हिस्सा रहते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, क्रिस्टोफर गिटार पे, जुहेब भाई ऑन द कीबोर्ड, राहील ऑन द ढोलक, एंड मोहसिन भाई ऑन द ड्रम्स, हमारी मॉर्निंग विद जुगन की फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, और बल्कि हमें इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए था, लेकिन हम अपनी बातों में बिजी हो गए। सबसे पहले रिमशा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि बल्कि आई विल कम टू यू राइट नाउ रिमशा, क्योंकि आप मैरिड नहीं हो अभी, तो आई विल कम टू यू एंड आई वांट योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट चलो अहमद नवाज आपसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, हंसी मजाक और बातों की बात जो भी किया वो एक तंज और मजाक था, और इसको आप लोगों ने सीरियस नहीं लेना। बाद में ये शेयर करूंगा कि अगर घर में कोई इख्तलाफ भी होता है या मियाँ बीवी में, तो हमारे बड़ों का हक बनता है कि उसको सॉर्ट आउट करें, ताकि मसले को रिजॉल्व किया जाए, और जो है ना कि आपस में और फूट पैदा करें, और काफ़ी देर के लिए फिर वो एक बड़ा अजीब सा एक हो जाता है वक्त, तो इस मसले को हम लोगों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, ताकि जो उनकी लाइफ है वो वैसे की वैसे चलती रहे, और जो बच्चे हैं वो भी खुशहाल रहें। बिल्कुल, मेरा ये बात। एनी आप क्या कहेंगे? बस कंक्लूजन ये है कि वही कि अगर मर्द और औरत दोनों बराबर हैं,
अगर खाली सिर्फ हम ये कहें कि मर्द रॉन्ग होते हैं तो ये भी गलत है, औरतें भी रॉन्ग होती हैं। तो दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट, डेडिकेशन, सिंसियरिटी के साथ चलना चाहिए, सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और कम से कम फैमिली वालों को, लड़की की भी और लड़के की भी फैमिली वालों को, उन दोनों के लिए ना सपोर्टिव होना चाहिए, मुझे लगता है। मैं यहाँ पे ना एक बात आप लोगों की इजाज़त से ऐड करूँगी, और जो मैंने देखा है कि शादी के जो दिन होते हैं वैसे ही सारे टेंस और परेशान होते हैं, आपस में जो लोग दंगे फसाद कराते हैं ना, थोड़ी सी हया कर लें आप लोग। आपको पता है आप लोग कौन हैं, बिला वजह आपस में ना फूट डालेंगे, वो वेख है और कुड़ी दी मां ने ते सलाम ही नहीं किया थानू, कितनी बदतमीजी की है। आप इतनी सी बात के ऊपर दिल में वलीमे पे लड़की वाले नहीं आएंगे, या लड़के वाले जो है वो फंक्शन अपना खुद ही नहीं अटेंड करेंगे, तो प्लीज थोड़ा सा हाथ हौला रखा करें। उन लोगों ने तस्वीरें जो है ना, लड़की के घर वालों ने आगे आगे थे स्टेज पे, तस्वीरें बहुत सारी खिंचवा ली है, हम लोगों को तो पूछा ही नहीं, इसलिए भी बड़ा बहुत बड़ा। प्लीज खुदा का वास्ता है, आप अगर एक खानदान बनने जा रहे हैं, हमारे यहाँ फैमिलीज की शादी होती है सिर्फ लड़का लड़के की नहीं, तो अगर आप सबकी आपस में शादी हो रही है तो खुदारा फिर एक डिसेंट और तमीज़दार अंदाज में तो एक दूसरे के साथ पेश आए। एट द एंड मैं यही कहूँगा, क्योंकि मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं तो बहुत ज़्यादा प्यार से रहने वाला बंदा हूँ और बहुत प्यार से रहूँगा, क्योंकि जो आएगी उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए। ये मुझे लग रहा है कि रेडी हूँ की रिक्वेस्ट भी डाल दी है। हाँ मैं रेडी हूँ, और भाई कुछ मान लो कुछ मनवा लो, इस तरह प्यार मोहब्बत से गाड़ी चलती रहेगी तो अच्छा हो जाएगा सब, सारी जिंदगी बहुत गाड़ी भी चलती रहेगी और घर तो आप अपना बना ही रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर चीज अपनी बना रहा हूँ, मेरे बाबा मुझसे बहुत खुश होते हैं, वो मेरी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हें और रिश्ते। मैं यही कहता हूँ, बहनों के जहेज की बात होती है, मेरी छोटी बहन की शादी है अभी, तो मैं कहता हूँ मुझे पैसे ले लो, मुझे बताना ना कि ये लेके आया, वो मुझे बहुत दुख लगता है, क्योंकि मर्द को चाहिए हर चीज खुद बनाए बस ऐसी। फिर भी चले मैं खुद अपने लिए तो चीज बना रहा हूँ, बहन के लिए बनानी पड़ेगी, पड़ रही है, क्या करें। नहीं बट वही वाली बात है ना, अपनी खुशी से इंसान करे, कितना अच्छा लगे अगर भाई जो है बहन के हाथ में जाके 2 लाख 5 लाख थमा दे और के ये ले बहना तेरा जो जी में आता है तू अपने लिए ले ले, ना के जाके वो भांडे बर्तन उस घर के लिए खरीदे जो ऑलरेडी एक घर चल रहा है लेकिन उसको लेने पड़ रहे हैं क्योंकि उससे ये डिमांड की जा रही है कि भांडे बर्तन लेके आओ। जुगन ऐसा भी होता है कि एसी लगा हुआ है ऑलरेडी उस रूम में, क्योंकि गर्मी है तो एसी तो ऑब्वियसली घरों में लगे हुए होते हैं, कहते ही उतारो नया इन्वर्टर आएगा, ये भी लिटरली मैंने देखा ऐसे घरों में भी। जी क्या कहोगी? पहले तो यही कहूंगी कि मैं अनमैरिड हूँ, इतना मुझे पता नहीं है, बता चुकी हूँ हम सबको तो लेकिन सवाल ये पूछ रही हूँ दैट बीइंग एन अनमैरिड गर्ल आपकी क्या ख्वाहिश है? मैं यही बोलूंगी कि पेरेंट्स को भी देख के चलना चाहिए, इतनी डिमांड्स नहीं करनी चाहिए, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अगर लड़का अच्छा है ना तो उनके पास अगर कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है कि बंदा पैसे को देखे, पर्सनैलिटी को भी देखे, हमारी बेटी को खुश रखेगा। देख के मर्द का और कहते हैं कि भाई शक्ल गुड लुकिंग लड़का है, बाकी पीछे पर्सनालिटी सामने पर्सनालिटी होनी चाहिए बिल्कुल। और द फैक्ट इज एट द एंड ऑफ द डे सूरत से ज्यादा बढ़ के सीरत होती है, तो लड़के का बैंक बैलेंस, सिर्फ उसकी तालीम, और सिर्फ ये मत देखें कि उसके पास मतलब कि उसकी शक्ल कैसी है, सबसे पहले ये देखें कि वो इंसान किस किस्म का है, सारी जिंदगी आपकी बच्ची ने उसके साथ गुजारनी है और उस लड़के ने भी उस लड़की के साथ गुजारनी है, तो हमें पहले अपने बच्चों की ग्रूमिंग पे काम करना चाहिए, ना कि हम अगले को से 50,000 डिमांड्स करें। फाइनली चेरी क्या कहोगे? फाइनली यही है कि सारे जेस पे बात करी आ रहे हैं, कुछ हक महर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। क्या बात है, अरे क्या बात है? लोग एक घर मांग लेते हैं हक महर में, 50 लाख लिखवा लेते हैं, ये चीज भी बहुत फोकस करनी होनी है। मेरा पैगाम यही है कि अगर लड़के की इतनी वसाहत नहीं है कि हक महर दे सके तो वो ना इतना डिमांड करे, बल्कि करना ही नहीं चाहिए। हक महर भी लड़की और लड़की की फैमिली को अपनी मर्जी से करनी चाहिए डिमांड। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात एक्सप्लेन करना चाहूंगी, हमारे यहाँ बहुत ऐसा होता है कि हक महर लड़के वाले कह देते हैं कि आप इतना लिखेंगे हम इतना ही लिखेंगे, वो आपकी चॉइस नहीं है, हक महर लड़की की डिमांड है, जो उसने करनी है वो अपने हिसाब से करे, अब वो चाहे 50 लाख करे या 50 रुपए करे, वो उसकी चॉइस है। इतनी ज्यादा भी ना डिमांड करें कि भाई अभी हमें फॉरन, क्योंकि हक महर तो अक्सर औकात आप उसी वक्त ले लेते हैं, आप किसी से आप 70-80 लाख रुपए की हक महर की डिमांड करेंगे तो इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक। खैर पॉइंट सिर्फ इतना है कि ये कोई बिजनेस डील नहीं हो रही,
ये एक ताल्लुक है मियाँ बीवी का, जिसको पॉजिटिविटी के साथ और अच्छे तरीके से आगे लेके चलना है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने का, गॉड ब्लेस यू ऑल। और व्यूअर्स, आई होप कि हमारी आज की जो थोड़ी सी सीरियस गुफ्तगू थी, कुछ म्यूजिक भी रखा, एंटरटेनमेंट भी रखी, गेम्स को हमने अवॉइड किया क्योंकि हमने सोचा कि ये बात इंपॉर्टेंट है, हमारा जो यूथ है उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो हम लेना। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।